गोल्स है वो आगे मेंशन करने वाली हूँ मैं। सो दिस विल बी द इम्पैक्ट। अब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो दिस इज अ लॉन्ग वेट प्रोसेस, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस कभी बंद नहीं होते। जैसे होता है ना, स्कूल की सस्टेनेबिलिटी एक बार स्कूल चालू हुआ तो हमें मेंटेनेंस उसकी ध्यान देनी पड़ती है, लेकिन वो स्कूल कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा को कोई रोक नहीं सकता। और वो शिक्षा ऐसी है कि एक 17 साल का बूढ़े इंसान भी दे सकते हैं और एक 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी एजुकेशन दे। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल, सो दिस विल नेवर बी यू नो दिस मैटर नहीं होगी, बिजनेस में फेलियर होने लगेगा। ये धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ट्रेनिंग इसका बेसिक लेआउट है जिसको हमने ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड का नाम दिया है, बट दिस वन इज द सेम थिंग, दैट इज ट्रेनिंग। सो अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म क्या रहेगा, देन मैंने ये मेंशन किया है कि हम क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और हमें क्या मिटिगेशन होगी। तो चैलेंजेस इसमें हम लास्ट ईयर जब हम मनी एनालिसिस करे तो हमने देखा कि हमें सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक साल में मैंने कुछ प्रोजेक्ट करे जिसमें मुझे बिल्कुल भी सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि मुझे पॉलिटिकल पार्टी में बोला है कि आप हमारे यहाँ आइए और आपके सेशन लीजिए पार्टी प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं इस चीज को पार्टी प्रमोशन के लिए नहीं यूज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बींग होने के नाते और एक इंजीनियर होने के नाते ये टेक्नोलॉजी में हम तक पहुंचाऊँ, इसलिए मैंने पार्टी के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बट उसने मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें नहीं होंगे, बस हाँ एक चीज रहेगी वो है परमिशन की। तो ये अगर हम जिस तरीके सिस्टमैटिक मेरा अप्रोच है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हम कम्युनिकेट करेंगे और जो लोकल बिग बिजनेसमैन है उनको अप्रोच करेंगे, तो उनके बहुत बड़े नेटवर्क और कनेक्शन होते हैं जिससे हम ये लोग मिल सकते हैं। दैट इज द मीनिंग, हमें मोबिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मोबिलाइजर टू कलेक्ट द पीपल। देन दिस आर द सर्विसेज, ये जो 6 चीजें मेंशन है, ई एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम, विमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेट हैंडलिंग, ई हेल्थ केयर, स्मार्ट एंड डिजिटल रूल, ये हमारी 6 टोटल सर्विसेज हैं जो पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में इन्वॉल्व रहेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल्स, तो हमने 1 ईयर में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं, विच आई विल शो यू ऑन द ग्लिम्पसेस। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। 3 साल पहले मुझे देवेंद्र फडणवीस सर की तरफ से इसी प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला था कि विदर्भ के यूथ क्यों अनएम्प्लॉयड है, उसकी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस मैंने बताए थे। फिर लास्ट ईयर VIMS से एक प्रेजेंटेशन हुआ था 1 ईयर बैक, और हम लोग गए थे ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र के लिए मुंबई, वहाँ पे रतन टाटा और उनके तरफ से हमारा रैंक 7th आया था इस पर्टिकुलर ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइस में, ये सेम उसी के लिए है। और इसी बेसिस पे फिर मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप भी हुआ था स्टूडेंट्स और लोकल नागपुर लोगों के लिए, वो उसका बैनर है जो येलो कलर का है और वो ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र के अचीवमेंट है। जो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप के बारे में बता रही थी, फर्स्ट फोटोग्राफ वो वर्कशॉप की है, नीचे वाली भी वो जब स्टूडेंट्स कलेक्ट हुए थे ज्यादातर के, ये जो गांव के जो बच्चे आते हैं अपने लोकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए उनको इन्वाइट किया था। देन सेकेंड एक बुक लॉन्च सेरेमनी में भी मैंने सेम कंसेप्ट के बारे में प्रमोट किया था, तो बुक लॉन्च वाले उनकी तरफ से भी मुझे काफी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला था, जिसमें गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में जाके हमें ये चीज करने के लिए इन्विटेशन आया है। सो वी विल बी गोइंग वर्धा एंड गोंदिया। ऊपर से जो टॉप में दिया है सेम हमारे डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू करियर गाइडेंस के ऊपर में बच्चों को मोटिवेट किया था BSC कॉलेज के, और उन्होंने सेशन भी दिए थे इसी के ऊपर में कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। नीचे जो फोटोग्राफ है वो रियल एस्टेट एम्प्लॉइज के लिए है। ट्रेनिंग फॉर रियल एस्टेट एम्प्लॉइज, जिनको कुछ भी डिजिटलाइजेशन के ऊपर नहीं आता उन्होंने पूरा डिजिटल के ऊपर ट्रेनिंग दिया था। तो दिस इज कम्प्लीट की हाउ वी डिड द प्रोजेक्ट, वो सब प्रोजेक्ट की फोटोग्राफ है। एंड देन वो शादी आदमी वॉज ऑल्सो हियर, वी डिस्कस दी आइडिया विद हर, एंड दिस इज द वे हम लोग ने सौसर, सामने, यवतमाल और छिंदवाड़ा, यहाँ के जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों को जो 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए 3 दिन तक के लगातार 2-2 घंटे का ये सेशन कंडक्ट किया था। लॉन्ग टर्म गोल्स, सो दिस टॉकिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे ये है कि वी आर फोकसिंग ओनली महाराष्ट्र, एंड अभी हमने सिर्फ विदर्भ को कवर किया है। अभी हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हम पूरे महाराष्ट्र के जितने गाँव हैं उनको ये चीज हम कम्युनिकेट करें। हम बड़ी कंपनीज के साथ में इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी डिग्री कंपनीज है जो हमें फंड वो दे, उसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स में अभी नहीं डिस्कस किया कि फंड किस तरीके से आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे फंड होते हैं, तो दे हैव द स्कीम, हम उस स्कीम का एक पार्ट बनना चाहते हैं। एंड वी वॉन्ट की, क्योंकि अभी हमने लगे कभी गवर्नमेंट के साथ में इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हुए, जैसे GDU GKY एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट रन करता है, उनके सेपरेट सेपरेट है, हमारा एक इंटीग्रेटेड है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है, उनका एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर में 2-4 प्रोजेक्ट है, तो हम ये चीज करना चाहते हैं। जो वी वॉन्ट टू बी यू नो इक्विलिब्रियम स्टेटस हमें जनरेट करना, ये हमारा विजन है। सम ऑफ द कंफ्यूजन एंड थैंक यू। Oh, I still feel welcome here.
माने इन शॉर्ट में जो रिबा समझा बोला तो आपने बहुत अच्छा, बट एक पंच में मेरे को जो समझ में आया कि आपका जो मेन कोर एक्टिविटी है दैट इज टीचिंग टू दोस हु डोंट नो हाउ टू यूज डिजिटल गैजेट्स एंड एवरीथिंग कोई चीज़ें। तो इसमें जैसे आपने बोला कि एक तरफ गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पहुंचाना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के फंड यूज करके उसमें अपना इनोवेशन डाल के वो चीज पहुंचाना, क्योंकि फंड किसको लगेंगे जो ट्रेनर होगा। गवर्नमेंट देखो जैसे आज कोई गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करती है तो वो रेडियो पे भी ऐड करती है, वो टीवी न्यूज़पेपर गांव में आप जाओ पंचायत में सारे सर्विस जाते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं करते। प्रॉब्लम गांव के लोगों के साथ ये है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज एंड्रॉइड डिवाइस। अगर मान लो ये प्रॉब्लम है तो आप ये रोल प्ले कर रहे हो तो आप उनको सिखा रहे हो कि आपको टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें आपका स्टडी क्या बोलता है, कितने परसेंट अभी तक लोग नहीं यूज करते हैं टेक्नोलॉजी? क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल देखा कि जैसे बहुत आई एम टॉकिंग अबाउट टू इयर्स बैक, मैं ड्राइव करके बैंगलोर से आ रहा था, रेनी सीजन था, वो गाय चराने जाते ना बकरी और गाय, तो वो हम लोग रुके थे ढाबे से तो वहाँ पे वो चरवाए से बात हो रही थी, तो वो दो साल पहले मैंने देखा था वो मोबाइल से क्लाइमेट प्रिडिक्शन देखता है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, उसके हिसाब से वो चराने निकल जाता था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग समवेयर बैंगलोर के पास अवेयरनेस तो ठीक है अभी बढ़ रहा है, लैकिंग है, बट लैकिंग इसलिए है कि धीरे 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 जाएगा वो। अभी अभी अगर हम इंडिया का ग्राफ देखें तो हम नीचे से स्लोप से जब ऊपर जाते हैं ना तो ये चीज जो टेक्नोलॉजी वाली है, हम केरला इज 10 इयर्स अहेड ऑफ यूपी एंड बिहार 10 इयर्स अहेड एंड दैट इज फैक्ट। बट लोग बहुत जल्दी सीख रहे हैं ना इसको, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप बात करते हो एक महीने में आप कितने लोगों को ट्रेन करोगे, उसके हिसाब से जो सस्टेनेबिलिटी बोला आपने एजुकेशन में सस्टेनेबिलिटी है, बट ये मॉडल जो है मेरे ख्याल से 2-3 साल में तो सारी जनता ट्रेन हो जाएगी ऐसा हमें लगता है, बट अगर हम जब जाके हमसे एक्चुअल में इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं तो देर लगे कि नहीं आपने कुछ जमता उन पर नहीं है, हमको किसी ने बता दिया, वो उनको जो जिसने बताया वो उसको ही फॉलो करते हुए चलते हैं। They make mistakes, they generally get going to stands, उनके साथ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। काम बहुत अच्छा कर रहे हो बट इसको कमर्शलाइज काम करना चाहते हो बिकॉज गवर्नमेंट का फंड आप प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं यूज कर सकते, सो इट हैज टू बी एन एनजीओ दैट इज वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज प्राइवेट कंपनी जो ये टेक्नोलॉजी रन कर रही है वो अपनी पब्लिसिटी में गूगल, तो गूगल पे मनी फॉर इट प्रमोशन, गूगल पे मनी वो पैसे देगा आपको ताकि उसका प्रोडक्ट बहुत लंबे रीजन तक के जाए, ये किसी भी पर हाई एंड स्केल पे काम होता है। गूगल बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी आईटी इंडस्ट्रीज और आईटी कंपनीज नहीं है जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं और अपने प्रोजेक्ट का प्रमोशन चाहती हैं, तो उनको अगर हम पिच कर लें जैसे इन आपको अगर कंसिडर करेंगे तो हार्डली हमें परसिस्टेंट इंफोसेप जो डेटा बेस पे काम कर रही है या सॉफ्टवेयर आईटी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जैसे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हुआ तो परसिस्टेंट उस पर काम करना था। सेम चीज अगर हम पर्सिस्टेंट को अप्रोच करते हैं, बट हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, हमारे पास में कुछ मसौदा होना चाहिए कि हमने इतना काम किया है, दे शुड ट्रस्ट ऑन अस, दे शुड पे कि हाँ भाई आपके 50,000 का चेक रखी है, देन गो एंड ट्रेन अस, यू टेक आउट योर 10% आउट ऑफ इट, मे बी 90% उन्हें मिले, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर, बट ये चीज हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बनाती हैं और रन करती हैं उनके थ्रू हमें फंड देंगे, दैट विल बी अ बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन, हम एक सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स को प्राइवेट कंपनियों की सर्विस गांव वालों को बहुत कम ऐसा होगा कि उनको जरूरत पड़ेगी। बैंक का एटीएम आपने, अरे देखो लेट मी टेल यू, यू आर समवेयर कंफ्यूज, रीजन बता दो आपको क्या होता है। आप जो सर्विसेज लोगों को बताना चाहती है उसमें देयर आर टू थिंग्स, एक तो आपने अभी आपने यू टॉक्ड अबाउट प्राइवेट कंपनी फंडिंग, अर्लियर यू टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट फंडिंग, आई टॉक्ड अबाउट बोथ, एक तरफ तो होता है आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों को पीपल एट लार्ज एंड स्पेशली पीपल ऑफ रोज आर इन द विलेजेस उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ला करके गवर्नमेंट स्कीम समझाना चाहती है जिससे या फार्मर्स को जिससे उनको बेनिफिट मिले, दैट इज वन। उसके लिए कोई प्राइवेट कंपनी पैसे नहीं देगी आपको, लेट मी बी ऑनेस्ट, मे बी सी एस आर एक्टिविटी में अगर कभी कहीं कोई आपके आप जाए, बट दैट टू इट इज सो डिफिकल्ट, एनजीओ में होगा ना, इट्स सो डिफिकल्ट एंड दैट टू दे विल गिव इट नॉट टू अ प्राइवेट कंपनी बट टू एनजीओ, व्हाट इज वेरी राइट टू से आपके दैट यू नीड एन एनजीओ हु कैन रियली टेक ऑन दिस जॉब विदाउट अ मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट,
So that is one aspect. Second, you talked about is that they will be looking towards maybe Google or maybe towards some other companies. You know, Google is paying only to promote his own ideas so that people start using Google Move. So that is the, he will promote the scheme from what he will earn, he cannot recommend. So that's the commercial activity. The other one is a social activity. For first social activity, you need NGOs. But if you really want to make profit and if you want to look at the companies, then that's a very different area where you can have different apps. What will promote company product? So these are two different aspects. I think you need to differentiate and be focused on what exactly you really want to do. Otherwise, you get confused. First is, you know, you really want to be into social capital and go into, for what I really want to use you for VI. You said there are a lot of youth unemployed. We here at VI want to know what is that and why the youth are unemployed. Secondly, I want to use you as an NGO to go and tell all our fellows into industry to what are the government schemes, what are the benefits available. So that's one aspect. But there is no revenue. We can't pay you. As an NGO, we don't have money to pay you. But in the another aspect, but I'm sure you'll be able to, you'll like to make some profits or maybe earn something out of whatever. We make what profits. Then we train the real estate employees. They pay us for it. Like we earned for 2 weeks, we conducted the classes daily 1 hour. Monday to Friday, and we train them that how they can grow their real estate business using digital techniques like Google AdSense, AdWords, Facebook, Twitter, LinkedIn, all the social media apps they can use. So they paid us 30,000 rupees for 2 weeks. So that was like training them on how you can enhance your business. So that is one factor which is also there in it. The other one which I am talking about the rural region, that students were very clear. So उसमें हम लोगों को profit फिलहाल नहीं हुआ. Profit मुझे सिर्फ कब हुआ जब मैंने workshops करना थी, जब मुझे real estate employees को training देने के लिए projects मिले. अभी आगे 300 employees के लिए भी same चीज आ रही है. So you can calculate the 300 employees multiplied by the number of people. ये तो आप training जो है वो तो आज online भी आप कर रहे हैं, offline भी बहुत सारे. ये जो 40 years के above वाले लोग हैं, उनको वो चीज use करना अच्छे से आते नहीं. They want someone जो उन्हें बता दे पूरा अच्छे से, like spoon feeding दे सके. तो उसी चीज को हमने यूज किया, कमजोरी को पकड़ के बिजनेस बनाया. दैट इज व्हाट द जनरली ऑल बिजनेस पीपल डू. मीडिया ट्रेनिंग आर यू फाइंडिंग डिफरेंट वन, आर यू फाइंडिंग ग्रुप ऑफ पीपल दोस आर अबाउट 40 एंड वांट दिस टू लर्न. आई डोंट थिंक सो. यू आर रेडी टू पे. यस दे आर बिकॉज़ दे वांट टू एनहांस देयर बिजनेस. उन्हें बिजनेस इस तरीके से जैसे बहुत बड़ा लैंडस्केप पे उनके प्लॉट. Are you doing anywhere in Nagpur? Yes, yes. Basically, right. Real estate, I was associated with them. I am associated with them. So that's a specific business. You can't get so many people coming at one place. Not would like to know so many things. No, in batches. We divided the groups in batches. Like ये तो आपको company pay कर रही है. जी. ठीक है, company pay to raise the employees for using digital media. Yes. That's the right way. वो तो अभी है ही ना. That is not something new that you are doing. तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं. But what you are talking कि हम हम सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ट्रेन करे. तो वी विल आस्क फॉर आवर पेमेंट. गाँव में जब ATMs लगे तो बैंक ने अपना एक इंक्वायरी खड़ा कर दिया लोगों को सिखाने के लिए. उसमें हमने कुछ क्लॉज निकाले थे कि क्या प्रॉब्लम होती है. एम्प्लॉइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी 10 काम होते हैं करने के लिए. गवर्नमेंट उनको एक काम देने की जगह 10 काम देती है. आपका जो मॉडल है ना वो दैट इज बहुत सारा कुछ आपने नहीं. हाँ हाँ, दैट मींस वो बहुत क्यूमुलेटिव है. करना पड़ेगा कि और वेदर प्रोग्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है. Yeah, I was on like hybrid local. Yeah, so the big thing I was talking about is the one above. It's like this one aircraft has more flying time. On the other hand, the one which is below, it has lesser like flying time, and we have to change batteries after 20-30 minutes. There is also limits of weight carrying on it. So
what I it is already developed, this system, like hybrid system. You can see there are four propellers, four wing fans. Sorry for the interruption. We don't want to go into technicality. Yes, okay. Because none of us really understand engineering. Okay, yeah, Both of us are chartered accountants, so we do not know. What is more important is, you tell us about your ideas. Okay, why it is so unique about, you know, there are so many people who are making drones. Yesterday I could see on the news, even the, now you don't need bottles. Yeah. You know, they were all coming with a bag. Exactly. That was a beautiful film I saw yesterday. Yeah. So that's amazing to see that. Now, what is something unique within what you really want to do into the product? Okay. Tell us about the financials, tell us about the long term and short term. Okay. So basically, that hybrid system, that doesn't have an autopilot system, like guidance system. मेरे को उसको guidance देना है, मुझे remote लेके खड़ा नहीं रहना है कि चलाना है करके उसको. मुझे उसको programming करके उसको guide करना है. In fact, in short, मुझे software develop करना है ऐसा जो उस hybrid system को ये कर सके, guide कर सके. So और मुझे ये hybrid system को market में लाना है क्योंकि either people are using the one I shown in pic और वो भी इंडिया का मॉडल नहीं है वो डेवलप्ड और रिसर्च हुआ है चाइना में and I want to develop that system in India itself people are actually making it so the unique thing was I want to develop autopilot system for both of them with like unique design for their rotor kind of system तो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए लुचाजान के लिए मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिकली कैसा होता है इसमें हम लोगों के एप्लीकेशन बेस पे डिजाइनिंग रहता है तो वो सब रहेगा फिर तो बेसिक वन एक सिंपल मॉडल जो एक शूटिंग फोटोग्राफी और बेसिक शूट्स वगैरह कर सकता है वो बहुत हाई क्वालिटी का हमको अगर डेटा चाहिए तो वो 50,000 में एक बेसिक ड्रोन ज्यादा हो सकता है और फिर उसके आगे जाके और उसमें हमको एडिशन करना है बहुत सारी तो फिर उसका बजट बढ़ेगा तो और लाइक वन आई कैन सेल इट सेल इज ड्रोन्स एंड टू आई कैन रेंट इट तो मेरा लाइक मार्जिन रहेगा प्रॉफिट मार्जिन 25-50% अब लाइक इफ इट्स कंपनी आई बिलीव यू नीड फोर काइंड ऑफ पीपल इन अ कंपनी बिकॉज इट विल बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ I wouldn't like limit to those. I would develop them. Like अगर मैं कुछ develop कर रही हूँ मैं उससे और आगे बढ़ना चाहती हूँ तो अब development होगा तो मुझे patents वगैरह file करने पड़ेंगे मुझे legalities के लिए like manpower लगेगा और मुझे software की team लगेगी but I am also learning my subject programming मुझे भी आती है और technical side जो कि मैं खुद रहूँगी finance के लिए मुझे guidance लगेगा क्योंकि मेरा background finance वाला नहीं है So this is like manual required for it. But target audience मेरा क्या रहेगा? मुझे किन लोगों को sell करना है? अगर like normal people they are, so it'll be like for photography mapping purposes. और इसका budget 50 से कम तक आएगा, like normal tool के लिए. या फिर मैं rent भी कर सकती हूँ. For indoor rent के लिए जैसे like people have wedding shoots and all kind of some people want to have like mapping kind of stuff. So वो सब चीजें. Well, this is the one where I want to develop military purpose के लिए हम लोग अभी भी बाहर से चीजें खरीद रहे हैं हम लोग यहाँ पे develop नहीं कर रहे हैं तो वो भी और military based applications रहेगा क्योंकि defense के tenders वगैरह निकलते हैं drones के specially and people are not aware about that so if it develops idea I'll sell it to defense people then my short term goal is Short-term goal is one to get funding, which I can, I guess, loan or family or I can get up to like basic 5 lakhs तक का मुझे लगेगा. फिर like going from month or two selling के हिसाब से, in a year I want to make 8 drones and then sell them. Okay, fine. This is like second last slide. Okay, fine. लॉन्ग टर्म विल बी कि मुझे उसमें रिसर्च एंड डेवलप करना है अब मैं इतना बड़ा ड्रोन बना रही हूँ तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई वांट टू रिसर्च एंड डेवलप छोटा वाला ड्रोन उससे मैं क्या ऐड कर सकती हूँ उसके एप्लीकेशन में कैसे मेरी कर सकती हूँ वो सब
और फिर सेल्स इंक्रीज करना और फ्लाइंग टाइम और उनका जो रेंज रहता है घूमने का वो सब इंक्रीज करना और स्ट्रैटेजी ओके स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी सोशल मीडिया फ्री डेमो सेशन और वर्कशॉप से हम लोग अवेयर कर सकते कि या वी एग्जिस्ट एंड हमारे कंपटीटर्स नागपुर में अभी एनजोन और स्टार्टअप सेशन कर रहे हैं और भी बहुत सारे मुंबई में आइडिया पहुंच रहे हैं नागपुर में वेर आई यूज टू वर्क इफ दिस टर्न्स इनटू अ कंपनी देयर विल आल्सो बी माय कंपटीशन सो या दैट So Pooja, I just wanted to ask you one thing. आप खुद developer हो गया? नहीं. What is the technology on which the software will be developed? You don't know. I know. I am aware of that. Okay. So basically, your project is not a business plan. Basically, वो एक R&D project है आपका. जो आप चाहते हो एक software develop करना जो कि hybrid model पे चले. हाँ. अब अगर China hybrid model का drone बना रहा है, तो आप उसका software भी बनाएँ. हाँ. And I don't think India at least present scenario can compete in the cost of which the Mavic is being imported from China to India. Exactly. Sir, Mavic जो आ रहा है वो हमको बोलते हैं कि 40 minutes का time वगैरह उसका है करके But basically आप उसे एक camera लगा दोगे ना उसका time कम हो जाएगा So, but still मैंने I know because I have entered आपके कुछ computer का नाम लिया आपने उसमें So I know all in and out about drones and all. तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो ठीक है तो अगर चाइना डिवाइस बना रहा है तो सॉफ्टवेयर बनाएगा जरूर तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ सॉफ्टवेयर क्यों बनाना चाहते हो और वो भी आप आपका कॉन्सेप्ट है ना इट्स अ प्रोजेक्ट कि आपको वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पैसा चाहिए वो एक बिजनेस मॉडल नहीं बोल सकते हम तो आप कॉस्ट कैसे कम्पीट करोगे You cannot compete the cost at present. Sir, जब तक government subsidy नहीं देती इंडिया में यू cannot compete the cost at all. आप if you might be knowing about all the drones, Mavic बोलो आप Phantom बोलो जो भी है वो इतनी सारी चीजें इतने कम कॉस्ट में जो दे रहा है चाइना से सारे इलीगल इम्पोर्ट होते हैं पहली बात तो क्योंकि DGCA का कोई पॉलिसी नहीं है ड्रोन्स को लेकर तो वो ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं इतने ड्रोन्स आज इंडिया में है 99% आर इलीगली ट्रेडेड इलीगली कल को गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाल ली तो वो सब खत्म हो जाएगा उनके पास कोई ट्रैकिंग पॉलिसी नहीं है कोई मैकेनिज्म नहीं है आज गवर्नमेंट के पास तो उसमें कैसे आप कम्पीट करोगे सर बेसिकली इन हाउस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है बट देन सर सी बेसिक जो मैकेनिज्म रहते हैं ना हम लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं जो डॉलर्स में ऑनलाइन वेबसाइट पे तो होता है ना वो तो नागपुर में ही कई लोगों ने किया है बट देन वो क्वालिटी और वो फीचर आप वो कॉस्ट नहीं ले पाते अभी आप मैविक अगर बनाने जाओगे खुद कम से कम कॉस्ट में भी तो मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए लगेंगे आपको इंडिया में और मैविक आज 1,40,000 में मिलता है आपको वो देखा का है हम लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं आप बोलिए क्वालिटी का जो आएगा पढ़ना हमको इसलिए हमको खुद पे भरोसा नहीं कि हमने इंडियन प्रोडक्ट किया है तो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है करके दिस इज द थिंग सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ बिजनेस मॉडल तो आपका बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से क्वालिफाई नहीं होता आपका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आपको एक रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए इट्स नॉट आपको सक्सेस होगा कि नहीं होगा डोंट नो आप बना पाओगे नहीं बना पाओगे आपके बनाते तक किसी और ने बना दिया एक्चुअली आई लाइक टू टेल यू आई एम सिटिंग हियर फॉर अ लाइव शूट ऑन दिस कंपेंस सचिन मैम आई एम सिटिंग देयर एंड शी आस्क्ड मी डू यू हैव एनी आईडिया सो आई सेड ओके सीरियसली ये आप सोचो ये बहुत अच्छा है इसकी जरूरत भी है क्योंकि जिस तरह से आज ड्रोन बेसिकली यूज हो रहा है इंडिया में आज हर फोटोग्राफर के पास एक ड्रोन होता है बट इसका रीयूटिलाइजेशन बहुत मैसिव हो सकता है इसको ट्रैक करने के लिए आप हां मैं अपना कोई ज्यादा चीज नहीं करता और साइड लाइन में यू डोंट डू आरडी बिजनेस में तो बात नहीं करता हां एंड इफ यू नो द टेक्नोलॉजी एंड इफ यू आर रियली पैशनेट कि आपको वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए तो केवल आप कॉलेज अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉलेज से कॉलेज में आई ग्रेजुएटेड ओके
So even still, there are some incubation centers who can fund you for this project. Yeah. So basically, I'd love to thank for giving me the opportunity and stage to present my idea. It's like, this is wonderful platform for women. So, yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello everyone, myself Shreyas Kale. I am from Dr. Ambedkar College and I am currently pursuing BCom first year. So basically it was started when I was in first year and I came to the college. The freshman party was there, but it was not happening. So I had a feeling that the college was a freshman party organized. Basically, वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉलेज में एक सेशन पार्टी ऑर्गेनाइज किया एक लिंक वहीं से जुड़ा फिर उसके बाद फार्मर्स को पार्टी ऑर्गेनाइज किया तो कहीं ना कहीं मुझे वो लिंक लगा कि यार अपन इवेंट ऑर्गेनाइज में बहुत कुछ कर सकते हैं मोर और जब मैंने इसके बारे में आगे सोचा एक प्रोफेशनल लेवल पे के लिए तो जो ऑलरेडी स्किल्ड में थे मैंने उनसे टायर किया उनके अंदर काम सीखा और मैं गए 6 महीने पहले मैंने खुद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट किया मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ वीर काम ने यूर राइट आज लिंक भेजा तो गए 6 महीने से हमने अभी तक जिसमें हम न केवल जैसे कि लोग इवेंट कंपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एक ऑफिस खोल के रखे थे ठीक है हमने स्टार्ट किया कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना किस तरह कर सकते हैं एक ऐप में कुछ रजिस्टर करवाया सबसे पहले जैसे कि गूगल में हम एडवर्टाइज सबको बताया उसके बाद में बहुत से लोगों को बताया जसदाल ऐप में हमने कुछ रजिस्टर करवाया जिसमें बेसिक फंड है कि तुम्हारा रेटिंग क्या है तुम्हारा रेटिंग तो अच्छा है तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते रहते हो तो रेटिंग हमने आपके खुद की इंप्रूव किए हमारे जो जो इवेंट्स होते थे फार्मर्स पार्टी फ्रेशर पार्टी एंड फिर एक वेडिंग टू बी फ्रैंक फर्स्ट वेडिंग एज अ असिस्टेंट थी तो असिस्टेंट के बाद में फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो एक और वेडिंग ऑर्गेनाइज की थी मेरे भाई मेरे फ्रेंड के साथ जो कि एक यूनिक में जैसे हम बात करते हैं कंपनी की हमें चाहिए तो हमारी कंपनी में सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट का हमारी कंपनी स्टार्ट की थी ऑनलाइन रजिस्टर करवा के आगे जाते हैं बात करते हैं तो ये जो कंपनी थी हमारी वर्चुअल एक कंपनी थी जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करती थी बेसिकली इसका जो एग्जीक्यूशन भी होता था वो हम एक प्लेस रेंट पर ले लेते थे वहीं पर पूरा एग्जीक्यूशन होता था जिसमें कोई भी केवल कुछ जगह फैक्टर्स लगते हैं डीजे कैटल हम ये कोई भी बाय नहीं करते डीजे बाय करते हम ये रेंट पर लेते थे अब इसे रेंट पर लेने की वजह से कि हमें कुछ भी चीज बाय नहीं करते बच्चे जिसके पूरे पेमेंट्स जो होते थे वो इवेंट के एंडिंग में हम कर डालते थे आगे बात करते हैं कि ये जो हमने जिस दिन आके हमने खुद के रजिस्टर करवाए थे रेटिंग भी इंक्लूड की जस्ट डायल टूटल क्विकर इजी बिजनेस एंड गूगल एक्सेट्रा मोर ओवर गूगल वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जाके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे टू बी फ्रैंक हमारे स्टार्टिंग में हमने कुछ इस तरह किया था जब हमारा एक स्टार्टअप स्टार्ट हो गया था लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने कहा भाई जिसमें लेते हैं हमने जैसे बिजनेस आया था हमारे पास कोई भी क्लाइंट है हमने वही क्लाइंट को अगले दिन की डेट ही वहां पर गए एक ऑलरेडी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले एस्टैब्लिश थी उनके साथ टाइप किया कि भाई नाम हमारी कंपनी का रहेगा काम आप करोगे टोटल प्रॉफिट में से 20% हमारा 80% आपका जिसमें हमने सबसे पहले एक्सपीरियंस आया उसके बाद में जो 80% उनका था फिर 20% करके फिर हमारे गए 6 महीने से अभी तक 3 इवेंट हो चुके हैं आगे जब बात करते हैं कि हमने डेटाबेस एक अभी ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी में जाते हैं तो इनाउ टॉपर को बताना चाहिए बिजनेस है इनाउ टॉपर को बताना चाहिए तो इवेंट इनाउट के लिए हमने फिर सबसे पहले एक टू बी फ्रैंक मंगल कार्यालय वगैरह बहुत ही पुराना कंसेप्ट हो गया था जिसमें लोग आजकल कितना भी हम ऑनलाइन बात करना करें लेकिन अगर ट्विटर फैमिली कुछ सोचती है तो भाई हाँ मंगल कार्यालय में ये कर लेंगे फिर उसके बाद में कैटल भी उनका रहेगा एक ऐसे अपने चाचा मामा करके जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं हमने जब फैमिलीज में बात की तो फिर इवेंट उनका जो बजट था बजट उतना ही रहता था
लेकिन हम उस चीज में उनको बेस्ट सर्विस देखने का डिसाइड करते हैं. सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी थी डेटा बेस की, तो डेकोरेटर को कितना लगेगा, काउंट सर्विस कितना लगेगा, कैटर कितना लगेगा, लॉन्च की रेंट वगैरह कितना लगेगी, उसके ऊपर इसका बजट बना देते हैं, फिर जाके बात करते हैं. आगे जब हम चलते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म गोल क्या है. जैसे कि हमने पहले बताया तो हमारा प्लेटफॉर्म जो थे वो ऑनलाइन थे, तो हमारे सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट तब मिलते जब हमें रेटिंग इंप्रूव होती थी. क्योंकि सर हमने हमारे कलीग से बात की, हमारे बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हमारे स्टूडेंट से हमारे बात की, हमें हमारे क्लासमेट्स वगैरह, भाई जल्दी आते हैं जॉब कैसे को स्टूडेंट सिलेक्ट कर रेटिंग फास्ट आ गया, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग्स इंप्रूव होती गई. और मोर ओवर हम जो पार्टीज होते थे, हमारी कॉमर्स पार्टीज होते थे, 100-100 का क्राउड रहता था. इवेंट के हम एंडिंग में कैनोपस इवेंट देखते थे, इन्विटेशन कार्ड है, जिसकी वजह से हमारे रेटिंग्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते गए. फिर शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे अगले एक साल में हम अगर सोचते हैं तो हमारे कम से कम 6 इवेंट्स हम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम टीम को भी हम पे नहीं करते, हम हायर करते हैं, जिसका हम पेमेंट जो है, क्योंकि ऐसे ही होते थे कि अगर काम नहीं आया तो टीम का सैलरी तो हमसे बैठ गया ना, इसलिए हम हायर करते हैं. हायर करने को उनका पेमेंट ऑब्वियसली एंडिंग में हो जाता है. और ब्रांडिंग बेसिकली, अगर हम इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो ब्रांडिंग आजकल एक पर्टिकुलर ब्रांड किसी के भी पास नहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए. हाँ ऑब्वियसली बिजनेस उनके बहुत अच्छे रहता है बिजनेस, लेकिन अगर वही हम उसको सोचते हैं कि सर बेचने और खरीदने का ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अगर हम इवेंट मैनेजमेंट में सोचते हैं कोई ब्रांड ही नहीं है. हम हर इवेंट में ये डेफिनेट करते हैं कि हमारी कंपनी का नाम कहीं ना कहीं स्टैंड करे, सो उसके थ्रू हम हमारी कंपनी की ब्रांडिंग करना चाहेंगे. अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते थे तो इसके पहले ऐसा होता कि हम हमारी कंपनी का नाम देते थे शॉर्ट टर्म गोल्स में, और बाद में फिर हम इवेंट कराते थे. मतलब हम पहले लोगों के नाम, लोगों की फ्रेंचाइजी यूज करते थे, आगे अगर हम लॉन्ग टर्म से सोचते तो हमारी फ्रेंचाइजी देंगे. मोर ओवर हम हमारे हर एक सिटी से स्टार्ट करने के बाद हम इसे एक्सपांड करेंगे, हमारे डिफरेंट सिटीज में हमारा ब्रांचेस ओपन करना चाहेंगे. तो अभी तक ये जो इवेंट्स हुए थे, फ्रेशर्स पार्टी, डीजे नाइट एंड फार्म हाउस पार्टी, ये कुछ इसमें फिक्स है. So that would have led to rapid all to the right time yes. So any questions and all ma'am? So Shreya, ye itna na daran event management company. Sure sir, exactly. Main naya kuch nahi karte ho. Sir, naya humne aisa socha tha ki bhai agar एक पहले उसमें एडर कर लेते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा हम कुछ ना कुछ इसमें नया स्टार्टअप कर लेंगे. और सर क्योंकि प्राय हम गए 6 महीने से इसमें है, तो हम फिलहाल नए के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं. इनफैक्ट हम आइडिया भी लोगों के लेते हैं, लेकिन जो हमें परफेक्ट लिखे सब वो नहीं मिल रहा है. तो हम पूरी फ्रेंड हम अभी भी उसके लिए लगे पड़े हैं कि भाई जिस तरह हमें परफेक्ट लेख लिख आ गया कि हम उसके लिए तक स्टार्ट कर लेंगे. लेकिन क्योंकि फ्रेंड हमें स्टार्ट कर दिया है सर, लेकिन क्रिएटिव आइडिया जो लोग अलग से करते हैं उसमें हम फिलहाल से कुछ अलग नहीं कर पा रहे. लेकिन हाँ एक तो चीज हमने की है, हमें ऑनलाइन बहुत कम लोग करते हैं, उसके बिजनेस का रजिस्टर हमने स्टार्ट ही कुछ देखा था. वेबसाइट बनाने एग्जैक्टली सर, अभी तो आजकल सब लोग ही बनाने लगे. हाँ सर, लेकिन आज टू रेशियो टू इट्स 60-40 लोगों का, लेकिन जिसमें 40 लोगों से एक्टिव रजिस्टर नहीं है सर. टू बी ऑन पॉजिटिव साइड, हाँ हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया. अगर कुछ आगे हम सोचेंगे और बेसिक अगर कुछ लेके हुए आइडिया होते हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे सर. तो अभी आप मार्केट सेगमेंट कौन सा टारगेट करते हो? मार्केट सेगमेंट हम बेसिकली यूथ जो पार्टीज होती है, हमने टुडे टाइम टोटल 3 कॉलेजेस से हमने टारगेट कर चुके हैं. राइट स्टोरी, यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पंजाब देशमुख. हमी कॉलेज में सर इवेंट मैनेजमेंट में हम डील करते हैं, जिनके हमने HOD से बात की है, उनके कोई भी इवेंट होते हैं तो वो हमें हायर करते हैं, जो उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. वेडिंग एंड और फिलहाल हम उसके साथ थोड़ा कम डील कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सर टू डिफ्रेंड उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है, और इवेंट जो यूथ इवेंट होते हैं उसमें एक्सपीरियंस कम होता है एंड उसमें एफर्ट भी ज्यादा रहते हैं. सर हम बेसिकली सर यूथ इवेंट्स, बर्थडे पार्टी एंड इन सब चीज डील कर रहे हैं. वेडिंग के लिए हम फिलहाल एंटर खोने के हैं, अभी हम भी हम लोगों के अंडर सीख रहे हैं. इवेंट हम कंपनी होता था, लेकिन फिर हमें कंपनी नहीं लगता कि हम किसी अंडर की और अंडर सीखें. तो फाइनेंशियल कुछ वर्कआउट किया? सर हमें जरूरत हुई है, फाइनेंस की हमारे गोल्स जो थे वो हमारे इवेंट पे डिपेंड होते हैं. तो फिलहाल हमने एक साल में कम से कम 2 लाख का अर्निंग होना चाहिए, इस तरह के गोल्स रखे. लॉन्ग टाइम के लिए फिलहाल नहीं सोचा है, लॉन्ग टाइम के फाइनेंशियल गोल्स के लिए, लेकिन करना क्या सर वो जरूर सोचा है. Thank you, ma'am, for that response.
प्रज्ञा गुप्ता from YCC college. Yes, ma'am. Your presentation. Yes. I would like to. Good morning, everyone. I'm from YCC. I'm pursuing my graduation from YCC in mechanical engineering.